हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके यहाँ पे दो चैप्टर आपको दिए गए हैं। पहला आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर है एंड सेकेंड आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने इससे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर कर लिया था, और आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर इसके टाइप्स एंड इसके टाइप भी हैं एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है, और इसके साथ साथ इसके जो अगर हम टाइप की बात करें तो इसके तीन टाइप होते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैन डेर वाल्स। तो आपके एटॉमिक रेडियाई के तीन आपके टाइप होते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैन डेर वाल्स। एंड इसके अलावा अगर आप एटॉमिक रेडियाई में देखो तो इसमें वेरिएशन अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आपका 6 to 7 मार्क्स में या फिर आपका 13 मार्क्स में बनता है। अगर हम अपने नेक्स्ट एंड सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो है आयोनिक रेडियाई, और इसके कुछ टाइप्स भी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा इसमें आपका फैक्टर भी पूछ लिया जाता है एंड इसके एप्लीकेशन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इसी तरीके से प्लस इसमें आपका इसमें वेरिएशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यही है, जो आप जैसे आपका एटॉमिक रेडियाई बनता है उस तरह से आपका आयोनिक रेडियाई का भी क्वेश्चन बनता है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने थर्ड टॉपिक की बात करो जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आप कितना टॉपिक बना सकते हैं और लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। कि इसके अंदर पहला आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कि कौन कौन से फैक्टर्स पे आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, एंड सेकंड इसका वेरिएशन आप दिखा सकते हो अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। इसके अलावा अगर हम आगे देखें इसमें आपका एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं इन सबको आप लिख सकते हो, और आयनाइजेशन एनर्जी आपका टॉपिक है या आप कह सकते हैं पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से क्या तैयार कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ यहाँ पर अगर हम टॉपिक देखें वो आता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो यहाँ पर भी इसमें आपके फैक्टर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और इसमें इसका जो वेरिएशन है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक हैं सारे के सारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर हम फिफ्थ टॉपिक की बात करें जो कि लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आप क्या कर सकते हो, फैक्टर्स ऐड कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सेकंड आपका वेरिएशन जो है वो सभी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है आप अगर आप यहाँ पे पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में आपका अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो हर आपके टॉपिक का अलग अलग होता है, क्योंकि वो वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए क्या है, आप अलग अलग आपके जितने टॉपिक हैं उनका वेरिएशन आप शो करोगे और इसके फैक्टर्स शो करोगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें ये अफेक्ट करते हैं। इसमें थर्ड आप टॉपिक जो ऐड कर सकते हो वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, यह आपका डायगोनल रिलेशनशिप में भी यूज़ होता है, और ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन हैं आप इन सबको देख सकते हो। तो आपके ये पांच टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी टॉपिक करवाए वो सारे के सारे टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे हैं, उनका मैं लिंक आई बटन पे दे दूँगी। एंड
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको नोट्स की बात कहूँ, तो मैंने सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं, जितने मैंने अभी आपको टॉपिक बताए, वो सब मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ये कुछ इस तरीके से इन सबको अच्छे से मैंने समझाया है, और इनका वेरिएशन है अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द पीरियड। इस तरीके से इनके सारे के सारे जो हैं, मैंने जितने भी टॉपिक के अभी आपको समझाए हैं, उन सब की वीडियो मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे जो हैं वो नोट्स बने हुए हैं, तो आप इन नोट्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन नोट्स से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।